न्याय लेके जाना बराबर में कहता हूँ सुना की भेड़ होनी चाहिए और नहीं महाराष्ट्र की बराबर भाषा होनी चाहिए तो ही माने शांति मिलेगी को नहीं मिलेगी। हमारे भाई महिपाल मेघवाल को मारने वालों को सजा दिलाने के लिए हम सब लोग कल खेतड़ी को संपूर्ण खेतड़ी बाजार को बंद करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहते हैं। नंबर आया है आज उसने अपने प्राण गवा दिए और वो परिवार अनाथ हो गया, कल हमारा नंबर आएगा, इस बात के लिए तैयार हो? ना साहब ना। तैयार हो? ना। तो आज ही फैसला कर लेते हैं भाई, हमने पूरे दिन बैठ के और प्रशासन को खूब टाइम दे दिया, अब हमारी गलती नहीं है, अब प्रशासन ही ये चाह रहा है कि हम वो सारी चीजें करें जो प्रशासन के साथ हम करना नहीं चाह रहे थे। तो मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों से निकलो और हमें ये देखना पड़ेगा कि देखा जुर्म में ज्यादा ताकत है कि हम लोगों में ज्यादा ताकत है, कि हम जुर्म सहन कर रहे हैं तब तक सहन कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन खेतड़ी की जनता खड़ी हो गई तो उस जुर्म को और उस आदमी को सबको उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ से, और वो दिन आ गया है। आज महिपाल मेघवाल के प्राण नहीं गए, आप सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा खेतड़ी वासियों को कि हमारा नंबर आने वाला है। आज हमारे ऐसे भाई जो एक गरीब परिवार से है, जो एक नेक और निहायत ही शरीफ इंसान, जो किसी को तू नहीं कह सकता है, मंदिर में दर्शन करने गया है, वहां गुंडे मवालियों ने उसको घेर के मारा और इतना मारा कि उसके प्राण निकल गए। आप सब लोग इस बात को समझ लीजिए, हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां न तो हम स्वयं सुरक्षित हैं, न हमारे परिवारजन सुरक्षित हैं, और इसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की होती है, और सरकार की स्थिति यहां देख रहे हो आप सब लोग। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार अपनी परीक्षा लेना चाह रही है तो सरकार को परीक्षा देंगे, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गांव और अपने अपने मोहल्ले से हर एक भाई को मोटिवेट करो कि खेतड़ी के अंदर चलना है कल, और इतनी संख्या में इनको दिखाओ कि खेतड़ी का जनमानस खड़ा हो गया है अपने पैरों पे, और आगे अत्याचार और अनाचार नहीं सहेगा, और किसी भी को यह एहसास हो जाना चाहिए कि आने वाले समय में यहाँ गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है, गुंडे जेल में होने चाहिए, और ये सरकार को करना ही पड़ेगा। इस भाई के परिवार के साथ है हम सारे के सारे, और अंतिम लड़ाई तक साथ रहेंगे। आप सब लोग रात भर हमारे यहाँ, हमको यहाँ डटना है, और कल सवेरे सभी पंचायतों से और मूल कस्बे से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि महिपाल मेघवाल की हत्या के विरोध में पूरा खेतड़ी कल बंद रहना चाहिए, और समस्त लोग एक भी भाई को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कारोबार का नुकसान होगा, कारोबार बड़ा है कि जान बड़ी है, कल आपका नंबर आ गया तब आपका साथ कौन देने वाला है। आप सब लोगों को इस मिशन में साथ होना पड़ेगा, और हमारी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। आप सब के सब डट जाओ, महिपाल मेघवाल को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इस पर ये नहीं हटने वाले। मेरे साथ हो, जो भी घर जाता है ना उसको वो संदेश वाहक होगा कि उस पंचायत से कम 20 गाड़ियां आनी चाहिए, हमारी 44 पंचायतों से 20-20 गाड़ियां आएंगी, और खेतड़ी कस्बे की इतनी जनता है जिनको एहसास होना चाहिए कि जनमानस ऐसे नहीं दबाए दबता, आपकी इच्छाओं के पीछे नहीं चलेगा, ऐसे गुंडागर्दी कोई नहीं सहन करेगा। ये कल की तारीख में हम लोग इनके सामने करके दिखाएंगे, और इसी अस्पताल से लेके फेड तक लाइन लगा दो जनता जनार्दन की, इनको अपने आप एहसास हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, भी कोई देवर है, कोई बेटो है, कोई जेठ है, कोई ससुर है, न्याय तो न्याय होना चाहिए, दूध को दूध होना चाहिए, पानी को पानी होना चाहिए, तो माने न्याय चाहिए। मैं तो तड़का को न तड़का रही है वह ना वो रह जाएगा, मैं आज भी रे हमारा न्याय लेके जाऊंगा बराबर, मैं कहता हूँ सुना की भेड़ होनी चाहिए और नहीं महाराष्ट्र बराबर भाषा होनी चाहिए तो ही माने शांति में लगेंगे को नहीं मिलेगी। क्यों आपा छोटी जात का है जिसको मिल रही, आज से गुजरा का लड़का ने मार देता तो लुगाए तक और अंदर जेल में कर देता, अंदर कर देता लुगाया तक छोरिया तक, तो माना न्याय चाहिए।
बिना न्याय बिना बिल्कुल ही कदम नहीं उठाऊंगा, मरांगा उड़े तारे साथ ही मरांगा। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। गुंडा करती नहीं चलेगी, गुंडा करती नहीं चलेगी, गुंडा करती नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन खेतड़ी कल बंद रहेगी, बंद रहेगी, कल बंद रहेगी, बंद रहेगी। महिपाल जी को न्याय दो, महिपाल जी को न्याय दो, महिपाल जी को न्याय दो, महिपाल जी को न्याय दो। इसी राजस्थान सरकार ने 75 लाख का मुआवजा उदयपुर में दिया है। कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में 75 लाख का पैकेज दिया है। आप सरकार तक हमारे संदेश को पहुंचा दीजिए, हम न्याय की मांग करते हैं। और आपको जानकारी हो तो और उनके एसडीएम साहब को भी बता दे, SC ST एक्ट को पढ़ ले और उसमें प्रावधान है 8,25,000 रुपए का तुरंत प्रभाव से मुआवजा देने का प्रावधान उसमें नियम में बना हुआ है। उस एक्ट को भी पढ़ लीजिए और कानून की किताबें ला करके रख लीजिए। यहाँ पर केवल दराज के नीचे से पैसे कटोलने वाला काम नहीं, कानून को पढ़ने का काम प्रशासन का है। वो प्रशासन पढ़े इस कानून को, सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों को पढ़ने का काम करे, न कि यहाँ पर लिपापोती का काम करे। ये अभी सुबह से लोग इतने संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात का इंतजार करे कि कोई कार्रवाई करे हो। और आप चाय पकौड़ा पीन करके इस मस्ती को के रूप में बैठे हो, ये ठीक नहीं। हम सुबह भूखे प्यासे, कल से भूखा प्यासा पूरा परिवार यहाँ पर किलमिला रहा है और इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आपने अभी तक हमारी खबर नहीं ले रही हो, ये प्रशासन से और हमारी आवाज में आप यहाँ इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, थानेदार जी आपके माध्यम से हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पर भूखे हड़ताल की तरह से बैठे हैं, आप तक आपकी बात हमारी बात को नहीं माने। और ये आप सुबह से लेकर के एक कागज लेकर के आए हैं कि साहब आपकी चिट्ठी को संलग्न करके दीजिए, आपकी कोई ओपिनियन इसमें नहीं नजर आती है। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मनसाएं ठीक नहीं है, न्याय नहीं देना चाहते हैं। इस पीड़ित परिवार के पक्ष में आपकी कई संवेदनशीलता नजर में नहीं आती है। इस बात के लिए प्रशासन को आगे कर देते हैं आने वाले समय में, और अल्टीमेशन देते हैं। रात को सारा जन समुदाय यहाँ पर बैठे हैं और बड़ी संख्या में से हम बात कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम संगठन वो बने हुए हैं देश और प्रदेश के, और पूरे देश भर में से ये संदेश भेजना शुरू कर दिया है और वो आने शुरू कर दिया है। आप समझ लेना, आने वाले अंजाम के स्वयं जिम्मेदार हो गए, प्रशासन हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम आपसे निवेदन कर चाहे, तब तक तो हमारी निवेदनात्मक भाषा थी। और आप ये देखना चाहते हो कि बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप या खेतड़ी में देखना चाहते हो, तो यहाँ पर इतनी संख्या में लोग आएंगे आपके समझ में नहीं आएगा। आप भी अपनी तैयारी कर ले, हम बता रहे खुली चेतावनी के साथ में कह रहे हैं, आप भी अपनी तैयारी करिए और पूरे देश भर के लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के हथियारों की पैरवी की जाती है। ऐसा लगता है कि उधर से वो खाकी वर्दी से पहन करके हमारे पुलिस वाले हमारे भाई साहब आते हैं और वहाँ से कोई मैसेज लेके आते हैं, वो कोई ऐसा लगता है कि उसका कोई खेल चल रहा है, घूम रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इनकी इच्छा शक्ति ऐसी रही हो कि भाई को इंसाफ मिले। अभी सभी लोग यहाँ पर जितने भी आप लोग आए हो, सारे के सारे मौजूद आदमी बुलाए थे आज तुमने, और मैं मेरे पुलिस वाले भाइयों से कहूंगा आप अपनी सोशल मीडिया को चलाओ और आप अपने आला अधिकारियों को मेरा वीडियो जरूर भेजना, उनको बताना कि कल भाई चलाना, राकेश भाई आप भी चलाना, और अपने आला अधिकारियों को ये बताना कि कल लगभग हमें 5,000 से लेकर के 10,000 आदमी यहाँ पे इकट्ठे होने वाले, और इसमें पूरी की पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी, व्यवस्था जो भी फैलेंगी वो पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि आज हमने पूरा दिन आज सुबह से लेकर के हम न्याय लेने के लिए सुबह से शांति प्रिय तरीके से हम सारे के सारे हजारों लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हमारी माता बहने भी बैठी हुई थी। तो एक तो जितने भी यहाँ मौजूद आदमी आए, यहाँ पे मनीष भाई बैठेगा और अपने अपने एरिया की अपने अपने क्षेत्र की गाड़ियां लिखा के जाए कितने हमें कैलकुलेशन, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे जो बात चल रही है अभी बाहर से, तो लगभग हमारी तहसील से बाहर से लगभग 200 व्हीकल आने वाले, लगभग 200 व्हीकल। तो माता बहनों को साथ लेके आओ सब, और सब माता बहनों को साथ लेके आना है बाहर से 200 व्हीकल। तो लगभग अभी तक हमारे पास सूचना जो है ना 200 व्हीकल तो बाहर से आ रहे हैं। अब अपने खेतरी के कितने क्षेत्र के आएंगे, अगल बगल की पंचायत तहसीलों से कितने आएंगे वो अलग बात है, आठ तहसीलों की कैलकुलेशन नहीं है इसमें,
बाहर की बातें चल रही है, काला साहब की जो बसपा की टीम और ये जो पूरी टीम है वो, जिसमें हमारी श्री राजपूत कर्णी सेना की टीम भी आ रही है, इसमें आपको और बता दूं इस बात को। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए यहाँ लगभग 10,000 आदमी, 5,000 से लेकर 10,000 आदमी जुटने वाले हैं, तो सारे के सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी जो भी यहाँ पे रुकेंगे अपन वैसे तो, लेकिन जिम्मेदारी अपनी अपनी यहीं से अभी होंगी, अभी यहाँ बैठ करके अभी 10,000 आदमी 5,000 अपने यहाँ से आएंगे। 5 करोड़ की व्यवस्था भी करनी है, खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है, पानी की व्यवस्था भी करनी है, सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। मैं समस्त केतड़ी वासियों से महिपाल मेघवाल की जो हत्या हुई है, आज एक गरीब को, एक निर्दोष भाई को गुंडे और असामाजिक तत्वों ने मारा है। आज हम सब लोग महिपाल मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो कल हमारा नंबर आने वाला है। भाइयों, हमारे अंदर यही एक बात है कि कोई मर गया होगा, लेकिन मैं आपको निश्चित बताना चाहता हूँ कि हमारी इस भावना का ही गुंडे मवाली असामाजिक तत्व फायदा उठाते हैं और उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि महिपाल मेघवाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए 26 तारीख को 9 बजे हमारे खेतड़ी के अस्पताल, अजीत अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन जो हो रहा है उसके ऊपर उपस्थिति देके और इसे सफल बनाएं और ऐसा सफल बनाएं जिससे आने वाले समय में जो बदमाश हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं और एक असहाय और गरीब व्यक्ति को मारते हुए जरा सा भी नहीं जी सकते, उन लोगों को हमेशा के लिए एहसास हो जाए कि खेतड़ी का जनमानस जाग गया है, अब आगे गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। आप सब लोगों की उपस्थिति आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पधारेंगे। खेतड़ी व्यापार मंडल और हमारे व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि एक गरीब आदमी के साथ में जो हुआ, गरीब परिवार के साथ में हुआ, दोस्तों मेरे भाइयों, ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है। महिपाल मेघवाल के प्राण नहीं गए, हमारे लिए एक ऐसी चुनौती आ गई है कि खेतड़ी के अंदर गुंडागर्दी और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। यहाँ हमारे भाई महिपाल मेघवाल को मारने वालों को सजा दिलाने के लिए हम सब लोग कल खेतड़ी को, संपूर्ण खेतड़ी बाजार को बंद करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहते हैं। आप सब लोग हमारे साथ होंगे ऐसी हमारी आशा है और सभी सामाजिक संगठनों से भी मैं विनती करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच के अजीत अस्पताल पे और इस धरना प्रदर्शन को और महिपाल मेघवाल के परिवार को न्याय दिलाने वाले इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को सफल बनाएं और यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय के लिए यहां बैठी है मनोज घुमरिया जी के साथ हजारों की तादाद में जो आदमी आज बैठे हैं आके, और उनके साथ साथ महिला टीम और महिलाएं कल हजारों की संख्या में यहां पे धरना प्रदर्शन करेंगी। महिपाल मेघवाल की हत्या सिर्फ महिपाल मेघवाल की हत्या नहीं है, ये खेतड़ी में विश्वास की हत्या है। यहाँ खेतड़ी के वोटरों ने जो विश्वास करके और डॉक्टर साहब को जो सत्ता में ला के बैठाया, उनके जो जनता है उनके विश्वास की हत्या है।